Assalamu alaikum dear students welcome to the aps online teaching system i hope you all are doing well i am aware that i am uploading this lecture after a while but i am sure things have not gone rusty during this time so beta today we shall be starting the second lecture of the third chapter of our biology book which is going to be a bit long than usual due to a separate portion of history of classification so without further ado let's get started with it so, let's have a very brief recap of our previous lecture. In the previous lecture, we got to know the definition of the word biodiversity along with the parameters of classification, including its aims, bases, and advantages. We looked at taxonomic hierarchy, followed by a detailed study of a species level, along with an example of the line as a model organism. So, in today's lecture, we shall look at the history of classification or the models of classification to be more precise we will look at two kingdom system the three kingdom system and finally the currently accepted five kingdom classification system so beta as i told you earlier classification of organisms into groups is a crucial thing to do as it makes the study of organisms much easier the earliest record of classification dates back to the greek era where aristotle classified organisms into two major classes either plants or animals यानी उसने तमाम जानदारों को प्लांट्स या जानवरों की कैटेगरी में डाल दिया सो दिस वॉज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड क्लासीफिकेशन सिस्टम प्लांट्स एंड एनिमल्स देन इन सेवन हंड्रेड अबू उस्मान अल जहाजी हु वॉज अ मुस्लिम साइंटिस्ट रोड अ बुक इन विच ही करेक्टराइज मोर देन थ्री फिफ्टी एनिमल स्पीशीज दिस वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स और उनकी जो खसूसियात हैं उनकी बुनियाद पर उनको क्लासीफाई करने की एक कोशिश की गई थी फर्दर इब रुशदी ट्रांसलेटे ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ एरिस्टोटल इन अरेबिक विच वॉज ऑन क्लासीफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ एनिमल्स बट द रियल एडवांसमेंट केम फ्राम अ बायोलॉजिस्ट कारीनियस हुड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासीफिकेशन ही डिवाइड एवरी थिंग ऑन अर्थ इन टू थ्री मेजर ग्रुप्स नॉन लिविंग बींग्स आर प्लेस्ड इन मिनरल्स द लिविंग बींग्स आर प्लेसड इन द वेजिटेबल्स ग्रुप द ग्रुप वॉज ने वेजिटेबल्स एंड द एनिमल्स आर प्लेस्ड इन एनिमल्स ग्रुप फॉर लिविंग बींग्स ही यूज फाइव रैंक्स जैसे कि हमने रैंक्स के बारे में पढ़ा था ना कि फाइलम होता है उसके बाद क्लास है फैमिली है वगैरह वगैरह सो इन द अर्यर डेज ही एक्चुअली यूज जस्ट द फाइव रैंक्स ठीक है सो द फाइव रैंक्स वर क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसी एंड वराइटी अब जो वैरायटी होती है वो रिप्लेस जैसे आजकल मॉडर्न दौर में वैरायटी को हम लोग सब स्पीशी भी कहते हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें पुरानी थी तो ये वक्त के साथ साथ जो है ना बदलती गई और उनमें एडवांसमेंट आती गई अब ये जो सिस्टम है इससे हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं ब्रॉड लेवल पर बट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिकली कम्प्लीट सो विद द एडवांसमेंट्स बायोलॉजिस्ट केम अप विद टू किंगडम सिस्टम फॉलोड बाय थ्री किंगडम सिस्टम एंड फाइनली द फाइव किंगडम सिस्टम विच इज़ यूज्ड नाउ अ डेज वी शैल लुक एट ईच ऑफ देम वन बाय वन So let's begin with the two kingdom classification system. This is the oldest system of classification in which organisms were either placed in kingdom plants or kingdom animals, yani paudhe aur janwar. Aur agar mushkil alfaz mein kahe to nabatat ya hayvanat, theek hai? जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दरख्त ये जो है नबातात में आ जाएगा यानी प्लांट्स के ग्रुप में आ जाएगा और जिस तरह शेर की तस्वीर आप देख रहे हैं this is a lion so it will be placed in the group एनिमल्स ठीक है ना सो दिस इज ऑस द ब्रॉड कैटेगराइजेशन इन द अर्यर डेज सो दाइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वॉज दैट द ऑर्गेनिजम दैट कैन मेक देयर ओन फूड और सिंपली द्रॉफ वर क्लासीफाइड एज प्लांट्स जैसे पौधे पौधे अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से सो सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रा ऑटोट्रोप्स बट ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथिसाइज देयर ओन फूड Uh, and they actually rely on other sources for their food and energy intake were placed in animal kingdoms. Such organisms are also known as heterotrophs. जैसे कि हम खुद हम खुद अपना food नहीं पैदा कर सकते बल्कि हम या तो शिकार करते हैं या पौधों को खाते हैं यानी autotrophs को खाते हैं I hope you got the concept here. This system included bacteria, fungi and algae in plant kingdom as well. But this created a huge problem. So what was that problem? The problem was that there are many organisms that have both plant and animal like features like Euglena. Euglena can make its own food like plants but it but it can also move like animals. Moreover, this system also kept prokaryotic and eukaryotic cells in the same group which is absolutely not right. I told you earlier that there is a huge difference between a eukaryotic and a prokaryotic cell. सो इन ऑर्डर टू रिजोल्व दिज इशूज पार्शली द थ्री किंगडम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड सो वाई पार्शली यानी मुकम्मल तौर पर हर नहीं हल नहीं हुआ मसला ठीक है ना आधा ही हल हुआ ठीक है उसकी वजह क्या थी वो हम आगे चल के देखते हैं इट्स बिकॉज इन एटीन सिक्सटी सिक्स अंटिस्ट नेम अंस्ट हैकल मेड अ सेपरेट ग्रुप कार प्रोटेस्टा वेयर यू ग्लीना लाइक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल और प्लांट्स दोनों से मुशाबियात रखते हैं उनको उसने उस ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम उसने प्रोटिस्टा रखा वायल फनजा वायल ही आल्सो केप्ट फंजाई इन द इन द किंगडम प्लांटी जैसे पहले किंगडम प्लांटी में फनजाए थी उसी तरह उसने किंगडम प्लान फनजाए को नहीं छेड़ा और वो किंगडम प्लांटी में ही रही बट दिस ओनली सर्व हाफ द पर्पज मसला आधा हल हुआ क्योंकि अभी भी टो कैरियोर्स एंड यू कैरियोर्स में फ़र्क वाजे नहीं हुआ Because bacteria, which are prokaryotes, were placed with Euglena, which is a eukaryote. Secondly, fungi was placed within the kingdom Plantae. Mind that fungi are not plants. Fungi are not autotrophs. They are heterotrophs. They absorb nutrients from the host via a mechanism called absorptive mode of nutrition, which we shall study in upcoming lectures. Secondly. All the plants have cellulose in their cell walls, but fungi contains an other substance called chitin. So they are definitely not plants and are not fit to be placed alongside plants. So in order to address these issues once and for all, the five kingdom classification system was introduced, which is still in use. So the basis of five kingdom classification came from the biologist called E. Okay. हु इंट्रोड्यूस द टर्म प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरिओटिक ठीक है या प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक जो ये वर्ड चेंज होकर फिर प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक बन गया ठीक है ना मतलब उसने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि कौन से सेल्स जो होते हैं वो यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं और कौन से सेल्स जो होते हैं वो प्रो कैरिओटिक सेल्स होते हैं अब बेटा आई टोल्ड यू बिफोर दैट बैक्टीरिया आर प्रो कैरियोर्स वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लाट्स ए आर यू कैरियोटिक्स यू कैरियोर्स ना विद दीज टर्म्स इन माइंड

ठीक है इन सारी पैरामीटर्स को यानी सेल की टाइप्स को कि आइदर वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकेरियोटिक सेल है और सेकेंडली कि वो ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पांच ग्रुप्स बनाए गए या पांच किंगडम्स बनाए गए जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं सो द फाइव किंगडम्स वर मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया अब हम इन सारी क्लासेस को बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता करके एक, एक एक करके देखते हैं और विद विद एन एग्जाम्पल सो आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द फाइव किंगडम सिस्टम इन डिटेल द फर्स्ट किंगडम इज द किंगडम मोनेरा। इट कंटेन्स ऑल द यूनिसेल्यूलर प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड विच आर द यूनिसेल्यूलर प्रो कैरियोटिक द बैक्टीरिया All the bacteria are unicellular prokaryotes. Then we have the second kingdom called the protista, containing all the unicellular eukaryotic organisms like amoeba, euglena, paramecium, clemodomonas to name a few. The third kingdom is fungi containing all the fungi fungus like mushrooms. fungus. We even have a lot of practicals regarding fungi where we shall study these organisms in detail. The fourth kingdom is planty containing all the multicellular eukaryotic plants or multicellular eukaryotic autotrophs because plants are autotrophs. Followed by the last kingdom called the kingdom animalia, containing all the multicellular eukaryotic animals, like cat, uh, like uh, like the cat, line on many others uh, to name a few. Anyways, beta. So that's all for today's lecture. I hope you understood all the concepts. Here you go with the assignment, which is more of a project this time. You will have to prepare a scrapbook of the five kingdom classification system and submit it before the deadline. Details on how to make this scrapbook is in your portal assignment. Uh, and that's the terms to ponder section. Do have a look at them as well. And Beta, thank you so much. And I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.